अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाकिफ से होंगे। और आज हम जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं, ये क्लास है क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज, चैप्टर नंबर 6 सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हमने पहले तो इसके बहुत सारे क्लास पढ़े हैं, आज हम इसका एक और क्लास पढ़ने जा रहे हैं। तो चले स्टार्ट करेंगे। वाटर बिकम्स इम्प्योर ओनिंग टू मैनी रीजन्स। वाटर बिकम्स इम्प्योर ओनिंग टू मैनी रीजन्स। ये जो वाटर है, ये बहुत सारे तरीकों से गंदा हो जाता है। इसके बहुत सारे रीजन्स है, तो कुछ रीजन्स कल हमने इसके पढ़े हैं, तो आज और कुछ रीजन्स पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी कुछ रीजन्स हैं, शाबाश, जिनसे ये वाटर गंदा हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। तो समटाइम्स ड्रेनेज वाटर कंटेनिंग जर्म्स एंड पॉइजनस केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंटर द वाटर रिजर्वायर्स एंड कंटेमिनेट इट शाबाश। यह क्या बना, ये समटाइम्स, कभी कभी ड्रेनेज वाटर कंटेनिंग, जो ड्रेनेज वाटर है, उस ड्रेन आब तम आब कस आब कंटेनिंग जर्म्स, उस आब जरासीम तथ आबस मैं तुम, मतलब गो सब गंदा आब इन ड्रेन मन एंड पॉइजनस केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज। तो कुछ अत यह आब ड्रेनेज वाटर कुछ अंत फैक्ट्रीन हिंद फैक्ट्री मैं तम केमिकल्स ना वह जहरीली अक्सर बेशर ना जहरीली केमिकल्स ज्यादा। तो अम पा एंटर द वाटर रिजर्वर्स एंड कंटेमिनेट इट। तो इस पचान यह आब ड्रेनेज वाटर भर जर्मो या पॉइजनस केमिकलों सहित, ये किस में फिर मिक्स हो जाता है, किस में मिल जाता है, रिजर्वर्स में। कुन कुन जगह रिजर्वर बड़ बार रिजर्वर बन फ्रेश आब इसमें असल आब साफ आब ये आब ये तथा रलान सी गंद एंड कंटेमिनेटेड इत पे हेकान तक क्या कर आलूद हेका कर गंद हेका कर साफ बना तथ। तो यह तमुक ब्या फैक्टर यमो सो ब्या रीजन यम स आब इम्प्योर यह आब गंद। ब्याह वो समटाइम्स वाटर इज कलेक्टेड इन स्मॉल पिट्स। स्मॉल पिट्स कभी कभी क्या हो जाता है, वाटर इज कलेक्टेड, यही पानी यही आब ये इसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक छोटे छोटे गढ़ों में, छोटे छोटे गढ़ों में हम इसको कलेक्ट करते हैं। वाटर डज नॉट फ्लो आउट फ्रॉम दीज पिट्स। तो उसके बाद क्या हो जाता है, या हम कभी खुद गढ़ों में ये पानी भर देते हैं, जमा करते हैं, या कभी खुद ही पानी कहीं किसी गढ़े में जमा हो जाता है, कहीं कहीं पर अगर कोई गढ़ा होगा तो वहाँ पर ऐसे ही जमा हो जाता है। तो उसके बाद क्या हो जाता है, वाटर डज नॉट हैव डज वाटर डज नॉट फ्लो आउट फ्रॉम दीज पिट्स। तो उसके बाद क्या हो जाता है, इन गढ़ों में, ये जो गड्ढे होते हैं, जब इसमें 5-6 दिन 7 या 3 दिन 2 दिन 1 दिन ये पानी रहता है, ये फ्लो आउट नहीं होता है, ये बाहर इस गड्ढों में से नहीं हो जाता है। पिट्स दिस इज नोन एज स्टैग्नेंट वाटर। अत आब स्टैग्नेंट वाटर, ये आब थोड़ा बहुत ज्यादा गुम सयाल रंग सयाल तौर तरीक़ पे गुमत ज्यादा गंदा गुमत क्या जाए रोजान अत में ज्यादा जर्म्स वर्म्स ग्रोथ तिज ग ज्यादा तम सन ज्यादा यह गंदा आब यह गंद गुमत। तो इत पे हेकान आब इम्प्योर बनाथ कर शाबाश। इन ड्यू कोर्स स्टैग्नेंट वाटर बिकम्स वेरी डर्टी। इत पे क्या वार 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 इस आब मन रोजान इन पिटन मन गड़न मन दबन मज इत पे वनशर पे वार वार रोजान ये आब स्टैग्नेंट वाटर बिकम्स वेरी डर्टी। इस स्टैग्नेंट वाटर ये आहिस्ता आहिस्ता और ही गंदा हो जाता है, टाइम के साथ साथ वक्त के साथ साथ ये गंदा ही गंदा हो जाता है। इंसेक्ट्स मैनी मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर एंड स्प्रेड मैनी डिजीज। इसके बाद क्या हो जाता है,
इस पानी में जो ये पिट्स में ये पानी होता है, गढ़ों में जो ये पानी होता है, तो इसके बाद छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो में इंसेक्ट्स हम लेंगे, इंसेक्ट्स या मेनली हम इसमें से क्या आएगा, मॉस्किटोज, हम मॉस्किटोज लेंगे, तो इसमें ब्रीड करते हैं। तो ब्रीड के बाद क्या होता है, जो स्टेगनेंट वाटर होता है तो ये और ही गंदा बन जाता है। पहले तो ये स्टेगनेंट वाटर होता है, तो इसके बाद ये और ही गंदा हो जाता है, आलूदा हो जाता है, एंड स्प्रेड मैनी डिजीज। इसके बाद क्या हो जाता है, इस पानी से जब इसमें आप मॉस्किटोज ब्रीड करने लगते हैं और कोई इंसेक्ट ब्रीड करने लगते हैं तो ये ज़्यादा, तो उसके बाद क्या हो जाता है, अब बीमारी फैलने का खतरा होता है, तो उसके बाद बीमारी फैलते हैं। तो इस तरीके से ये पानी गंदा हो जाता है। ये बहुत सारे रीज़न, इसके बाद भी और कुछ रीज़न्स है जिनसे हम ये जो पानी है, वाटर है, ये गंदा हो जाता है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है। अगर आपको कहीं पर कोई समझ नहीं आया होगा तो मेहरबानी करके मुझे फ़ोन करना, मैं आपको फ़ोन पर भी और समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।